अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम है अली खान और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा जूस बनाना सिखाएंगे जिसकी मदद से आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। और हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि खून की कमी की वजह से हमारे जिस्म को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। खून की कमी वाले पेशेंट के जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और उसको आम आदमी की निस्बत बहुत ज़्यादा नींद आती है। खून की कमी वाले पेशेंट का चेहरा और जिस्म का रंग पीला जर्दी माइल हो जाता है। खून की कमी वाले पेशेंट को आम आदमी की निस्बत ज़्यादा ठंड लगती है। उसके अक्सर हाथ और पांव ठंडे रहते हैं और उनको गर्मियों के मौसम में भी ठंड लग रही होती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको खून की कमी है या नहीं, तो अगर आप खून की कमी वाले पेशेंट की आईलिड नीचे करके देखेंगे आँख की पुतली, तो वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। खून की कमी वाले पेशेंट की ज़ुबान भी सफ़ेद होती है और खून की कमी वाला पेशेंट थोड़ा सा भी भागे तो उसको बहुत तेज़ सांस चढ़ जाता है और उसकी दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। खून की कमी की वजह से इंसान के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और उनके सर में दर्द रहता है। हाथ पांव सुन रहते हैं, जोड़ों और पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, नशावर चीज़ें यूज़ करने की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। रेगुलर जंक फूड यूज़ करने की वजह से भी हमें खून की कमी हो जाती है। और अगर हम बहुत लंबे अरसे तक फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ना करें तो उसकी वजह से भी हमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को पूरा करने वाला जूस बनाने के लिए आपको जो फल और सब्ज़ी चाहिए उसमें सबसे पहले है पालक। पालक के आपने 3 पत्ते लेने हैं। उसके बाद आपने एक ऑरेंज लेना है, इसकी जगह आप एक मौसम्बी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक चुकंदर लेनी है, एक सेब लेना है, एक गिलास आपने पानी लेना है और एक आपने नींबू लेना है। उसके बाद आपने 5 चेरीज़ लेनी है। चेरीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो बेशक आप चेरीज़ ना डालें, और जब आप चेरी डालेंगे तो इसका बीज लाजमी निकालना है। सबसे पहले आपने चुकंदर को कद्दूकश करना है। ये जो कद्दूकश में डिफरेंट साइड्स होती हैं, इनमें एक बड़ी वाली साइड है और एक बारीक वाली साइड है। बारीक वाली साइड से आपने इसको कद्दूकश करना है। सबसे पहले जग में आपने 1 गिलास पानी डालना है। उसके बाद इसमें आपने 5 चेरीज डालनी है जिनके हमने बीज निकालनी है। उसके बाद आपने इसमें किनू डालना है जिसके हमने बीज निकाले थे, इस तरह 2 टुकड़े करके। उसके बाद आपने इसमें एक सेब डालना है। इसके बाद आपने इसमें पालक के 3 पत्ते डालने हैं। उसके बाद आपने इसमें एक नींबू डालना है, इस तरह स्क्वीज करके। उसके बाद आपने इसमें वो जो आपने कद्दूकश की थी चुकंदर, वो आपने इसमें डाल देनी है। एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करने वाला जूस रेडी है। वो तमाम लोग जिनको खून की कमी है, जब वो इसको पियेंगे इंशाल्लाह उनकी खून की कमी लाजमी पूरी हो जाएगी। और बड़े बच्चे, बूढ़े जवान, तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स हैं और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो लोग इसको यूज़ करें जिनको खून की कमी है, बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने इसको डेली यूज़ नहीं करना, आपने इसको हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 3 मरतबा यूज़ करना है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैरन। ए वहाँ खड़ी हो जा। Hey, hey.